नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज राष्ट्र बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर जालौन नगर क्षेत्र के जालौन नगर पालिका में हम खड़े हैं और यहां पर कुछ बसपाई हैं जो बाबा साहब को माल्यार्पण करने के बाद उनको याद करते हुए दिखाई दी। कुछ लोगों से हमने बात की, उनका कहना ये था कि बाबा साहब जो कि देश के पहले न्याय और कानून मंत्री भी थे, जिन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसके बल पर दलितों और जो शोषित समाज के लोग थे उन्होंने आज सम्मान के साथ सर उठाकर जीना सीखा। कहीं ना कहीं समाज के प्रति उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज बसपाई याद करते नजर आए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भारत के संविधान निर्माता और उनके 132वें जयंती के अवसर पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता शुभचिंतक लोग आज बाबा साहब का बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हर नगरपालिका नगर पंचायतों में हम लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बाबा साहब की जयंती गोष्ठी के मनाने जा रहे हैं। इसके अलावा भी परम पूज्य बाबा साहब ने पूरी दुनिया को भोग जो लालच भरी जिंदगी लोग जी रहे थे उनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी दिलाने में अपना पूरा जीवन उन लोगों के लिए कैसे आगे आने वाले लोग खुशहाल रहें जो जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे उनको स्वाभिमान सम्मान दिलाने का काम किया। और भारत का जो संविधान दिया वो संविधान अगर आज उनके 100% अगर लागू हो जाए ना तो एक भी आदमी, एक भी जो भारत देश में रहने वाले लोगों को कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, उन्हें स्वाभिमान सम्मान प्राप्त होगा। और इस भारत देश में आज भी जो भी जितनी लोग स्वाभिमान सम्मान से जी रहे हैं वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की देन है, जिनके लिए हम लोग आज तन मन धन से स्वाभिमान सम्मान से आज उनका जयंती मनाने जा रहे हैं।